मेराल प्रखंड के राजकीय कृत मध्य विद्यालय बिकताम में सोमवार को 11 वर्षीय छात्र को क्लासरूम में सांप काटने से मृत्यु हो गई। बिकताम गांव निवासी तासीर अंसारी का पुत्र तौकीर अंसारी चौथी क्लास के छात्र था। लोगों के अनुसार विद्यालय में प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपनी क्लास में बैठे हुए थे। तौकीर अंसारी जिस क्लासरूम में बैठा था उसी क्लासरूम में सांप निकला और तौकीर अंसारी को डस लिया। आनन फानन में विद्यालय के शिक्षकों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेजा। डॉक्टर ने तौकीर की हालत देखते हुए तुमेगढ़ा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तुमेगढ़ा हॉस्पिटल जाने के दौरान रास्ते में तौकीर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि छात्र के परिजनों को अस्पताल भेजने के बाद जानकारी दी गई। तौकीर की मौत होने पर गुस्साए परिजन एवं ग्रामीण विद्यालय के शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। स्कूल जो है हमेशा विवाद में रहता है, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ ये जो स्कूल जो है ना, यहाँ पे स्कूल अब स्कूल नहीं रह गया, ये राजनीति का जो अखाड़ा यहाँ बनकर रह गया है। बच्चों लोग यहाँ पढ़ाई नहीं होती है ज्यादातर। सरकार इतना फंड आता है सरकार के यहाँ से बच्चे पर खर्चा करने के लिए, आज जो बच्चा के जान गया है यही कारण है कि ये लापरवाही है शिक्षकों का। आज जो शिक्षक का लापरवाही की वजह से जान गया है, और यहाँ तक कि अब जिस रूम में जो बच्चा का सांप काटा है, जहरीला जी काटा है, वहाँ पे वहाँ पे एक छोटा सा उसमें सुराख है, उस सुराख से निकल करके काटा है। और मैं एकदम यह आश्वस्त कर रहा हूँ, ये जो स्कूल जो है ना, स्कूल का शिक्षा एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पे जरा सा भी पढ़ाई नाम का चीज नहीं रह गया। यहाँ पे ये जो है हम लोग जब देखे तो मार्शल भी यहाँ अपने से लोग भर रहा है, इसमें माटी जो है भर भर के इसमें पानी जम रहा है, भर रहा है उसमें। देखे कि यहाँ बिल है पूरा, तो लोग भर के जाम कर दे रहा है। पीछे झाड़ी काटने लगा, वो लोग बच्चा से निकट वाला था। अब आए थे फिर हम लोग कोड़ के देखने लगे, बोला ये सब कहा कौन रहे उसको,